आजीवन कारावास के अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, जिसमें 1,00,000 रुपया जुर्माना हुआ है। अब 148 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। अब तक जो है कितने उसमें मुकदमों में सजा, अब तक मेरी जानकारी में 4 मुकदमे में सजा हुई है। उसके पूरे आपराधिक कार्यकाल का, आपराधिक जीवन का ये पहला मुकदमा है जिसमें किसी मुकदमे मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा हुई है। अब तक आप लोग क्या डिमांड कर रहे थे और क्या कोई आप लोग हमारी ये डिमांड थी कि चूंकि डेलाइट मर्डर था, ब्रूटल मर्डर था, मैक्सिमम सजा होना चाहिए, लेकिन न्यायालय ने जो आजीवन कारावास की सजा दिया है उससे हमारे वादी मुकदमा मैं संतुष्ट हूँ। बाकी जो आरोपी है उनका उनका मुकदमा थर्ड एडीजे का विचाराधीन है, उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। आज मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया और 1,00,000 अर्थदंड लगाया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। आप लोग के लिए कितनी बड़ी जीत है ये? बहुत बड़ी जीत है। 32 साल से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं इस चीज को और अंततः आज फैसला आया है, यही हम लोगों के लिए ढेर सारी। क्या आगे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएंगे? जी जरूर जरूर, ये वादी मुकदमा है जहां ये पैरवी करेंगे, उनके साथ अगर हम लोग अपॉइंट होते हैं तो हम लोग भी लड़ेंगे। इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1,00,000 जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को देश हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। आप उसके खिलाफ क्या रास्ते हैं उनके लिए बताओ कि क्या? अपलेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वाया अपलेट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा कोर्ट। 6 महीना और जेल में रहेंगे। टोटल क्या फैसला सुनाया? टोटल यही है कि उनको उम्र जो है जेल में बिताएंगे, उम्र कैद या जिसको आजीवन कारावास कहते हैं वो अब सजा उनको 302 में दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया। इतने दिन से जेल में है तो क्या उम्र कैद माइनस होगी? नहीं नहीं, देखिए अब देखिए जुर्माना लगाया गया है, देखिए 1,00,000 जुर्माना उसमें लगा है और 145 में 20,000 रुपये जुर्माना लगा है, और 20,000 जुर्माना नहीं देते तो 3 महीना और जेल में। तो इस जी देखिए ऐसा नहीं है कि वो कंपनसेट होगा, आजीवन कारावास का इंटरप्रिटेशन अलग है, और आजीवन मतलब आजीवन कारावास होता है, शासन बाद में चलनी पे वो अलग इशू है। जेल मैनुअल के आधार पे जो आप बड़े बड़े केसेस में देखे हैं कि मुलजिम बाहर आए हैं तो ये कैसा केस होगा, शासन इसको किस रूप में लेती है, तो जिस प्रकार से इनका आपराधिक इतिहास है इनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ऐसा हम मानते हैं। आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। इसी क्रम में दिनांक 3/8/1991 को वाराणसी के व्यस्तम क्षेत्र मलदहिया थाना क्षेत्र चेतगंज में एक राजनीतिक व्यक्ति अवधेश राय की जो हत्या सनसनीखेज तरीके से गोली मार के की गई, उक्त हत्याकांड के संबंध में वादी श्री अजय राय के द्वारा थाना चेतगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 229/91 विरुद्ध मुख्तार अंसारी तथा अन्य के विरुद्ध थाना कैंट वाराणसी में पंजीकृत हुआ। अभियोग के विचारोपरांत अभियुक्त गण के विरुद्ध अपराध संख्या आरोप पत्र दिनांक 12/10/1991 को ही माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। उक्त अभियोग के परीक्षण के दौरान एक अभियुक्त अब्दुल कलाम की मृत्यु हो गई तथा 3 अन्य अभियुक्तगणों की पत्रावली पृथक कर दी गई। अभियोग के परीक्षण माननीय MP/MLA न्यायालय वाराणसी में चल रहा था, जिसमें साक्षियों तथा अन्य गवाहों तथा पूर्ण परीक्षण के उपरांत जजमेंट की तिथि आज दिनांक 5/6/2023 को नियत थी। उक्त अभियोग में आज माननीय MP/MLA न्यायालय द्वारा साक्षियों के परीक्षण तथा सुनवाई की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास तथा 1,20,000 रुपये के जुर्माना की सजा से दंडित किया गया।